स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत और अभी अभी BMW ने अपनी एंट्री लेवल SUV जो आप देख सकते हैं यहां पे द ऑल न्यू X1 वो लॉन्च करी है। प्राइसेस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए आपको एक गाड़ी का वॉक अराउंड देता हूं और ताकि आप देख सके कि ये X1 अब कैसी है दिखने में। सो दिस इज हाउ द ऑल न्यू X1 लुक्स लाइक एंड एक बार क्विक वॉक अराउंड देता हूं। काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी में जो है वो चेंज करी गई। इनफैक्ट दी एंटायर कार इज बेस्ड ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म एंड आप व्हील बेस देख सकते हैं, तो 22mm जो है व्हील बेस इसका बड़ा है। दैट मीन्स देर इज मोर स्पेस इनसाइड दिस कार। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड से एंड यहाँ पे आपको क्या नया मिलता है, सब कुछ यहाँ पे नया मिलने वाला है। सबसे पहले चालू करेंगे, ये हेडलाइट्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा BMW LED की बैजिंग जो यहाँ मिलने वाली है। ऑब्वियसली DRLs प्रोजेक्टर सेटअप है पूरा का पूरा। आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलते बिकॉज दीज हेडलाइट्स आर रियली रियली ब्राइट। यू गेट अ ब्रांड न्यू ग्रिल, मैसिव ग्रिल और यहाँ पे बीच में रडार सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हो BMW का लोगो। एंड हुड पे जो लाइंस और क्रीजेज है ये भी नई, बिल्कुल नई है और आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा जो है गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है अब। और आगे की तरफ आपको एक नया बम्पर भी मिलने वाला है, एयर डक भी मिलेंगे यहाँ पे जो कि एयर चैनल करते हैं फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। एक्टिव ग्रिल नहीं मिलने वाला है आपको इसमें, बट अंदर आप देख सकते हो कि आपको ये रेडिएटर और ये क्रैश बार मिलने वाला है। साइड में आएंगे तो साइड में आपको ये M बैजिंग मिलेगी। नाउ द M बैजिंग मीन्स दैट दिस इज द डीजल वेरियंट। यहाँ पे भी एक आपको ये कलर मिलेगा, सो यहाँ आप देख सकते हो कि द डीजल कम्स विद द एम स्पोर्ट वेरिएंट, 18-inch अलॉय व्हील्स, बॉडी क्लैडिंग मिल जाएगी बट द बॉडी क्लैडिंग इज प्रेजेंट इन बॉडी कलर। यू गेट फ्लिप अप डोर हैंडल्स ऐसे करके खोलने वाले एंड पीछे की तरफ आएंगे सो यू गेट BMW टेल लाइट्स। इसमें काफ़ी सारा ब्लैक्ड आउट फिनिश आपको मिलने वाला है, नया स्पॉयलर, नया शार्क फिन एंटेना, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है एंड यहाँ पे आपको एक नया स्पॉयलर मिलने वाला है जिसमें आप देख सकते हो कि ये ग्रूव्स दिए गए हैं जो कि एयर को चैनल करता है मेकिंग द कार मच मोर एरोडायनेमिक। पीछे की तरफ आपको एक वाइपर मिलेगा अलॉन्ग विद द वॉशर एंड रियर डिफॉगर्स भी मिलने वाले हैं कि यहाँ पे आपको डिफ्यूज़र मिलेगा बट इट्स अ टू फिन डिफ्यूज़र, एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पे फेंक दिए गए हैं। और एक चीज़ जो इस गाड़ी में मिसिंग है वो है इसका 360 डिग्री कैमरा, जो इसमें फीचर नहीं दिया गया। हम लोगों को लगा कि इसमें होना चाहिए था बट इसमें नहीं दिया गया। इसमें आपको बॉडी कलर ORVM मिलेंगे जिसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर होगा और यहाँ पे आपको ये मिलने वाला है ब्लैक आउट फिनिश। सो ऐसी कुछ दिखने वाली है दी X1 फ्रॉम दी एक्सटीरियर्स। यहाँ पे दो कलर ऑप्शन अवेलेबल आप देख सकते हो, वन इज दिस ग्रे एंड वन इज द सिग्नेचर ब्लू। इसमें आपको करीबन 6 कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं एंड चलते हैं अभी अंदर की तरफ, तो स्टार्ट करेंगे पीछे से। दिस इज हाउ यू ओपन द डोर, आई थिंक दिस इज हाउ द रियर एंड लुक्स लाइक। आपको यहाँ पे AC वेंट मिलने वाला है, दो टाइप सी चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट जो कि डिप्लॉय हो जाएगा कप होल्डर्स के साथ एंड पीछे की तरफ ये पार्सल ट्रे, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। ये चीज़ जो शेड है वो पूरी की पूरी अंदर चली जाती है, तो यहाँ पे सनरूफ है, हाफ द सनरूफ ओपन्स अप। सो दिस इज हाउ द रियर एंड लुक्स लाइक एंड एक बार इसका बूट दिखा देता हूं। सो दैट इज हाउ यू ओपन द बूट विद द रिक्वेस्ट सेंसर, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक बूट एंड यहाँ पे आपको आपका स्पेस सेवा मिलने वाला है अलॉन्ग विथ योर टूल किट। कुछ जगह यहाँ पे बूट लाइट मिलेगी एंड ऐसी दिखने वाली है कुछ बूट। यू गेट अ स्प्लिट सीट ऑप्शन, अगर आपको और जगह चाहिए तो आप इसको फ्लिप डाउन कर सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज टू क्लोज द बूट, यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन एंड सिंस इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक बूट, बूट अपने आप बंद हो जाएगी। यू गेट दी X1 बैजिंग ओवर हियर और रियर कैमरा ओवर हियर एंड आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। सो एक मिनट इनको बाहर आ जाने दीजिए। सो दिस इज हाउ द इंटीरियर्स ऑफ द न्यू X1 लुक्स लाइक। हार्मन कार्बन का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, सॉफ्ट टच मटेरियल, ड्यूअल टोन, एक्चुअली ड्यूअल नहीं ट्रिपल टोन इंटीरियर्स मिलने वाले जैसे कि आप देख सकते हैं। सब कुछ इसमें नया दिया गया है, नया पूरा का पूरा इंटीरियर देख सकते हैं। बकेट सीट मौजूद है यहाँ पे, आपके पास सीट मेमोरी मिल जाएगा, दो ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीट है। यहाँ पे आपको आपके हेडलाइट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अंदर की तरफ आते हैं तो
Now you can see you get this big connected display. So ये आपका देख सकते हैं रियर कैमरा ऑन है, तो इसमें आपको अडैप्टिव गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी एंड आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन ये पार्किंग सेंसर जो है 360 डिग्री जो है मिल जाएंगे कि साइड में ये आप देख सकते हो गाड़ी के दोनों साइड में यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद है। तो ये जो स्क्रीन है दैट इज़ अ 10.7 इंच एंड ये जो क्लस्टर है दैट्स अ 10.2 इंच। सो ये और ये ऐसे प्लेस्ड है आप देख लीजिए, तो ये जो बीच में ये जो पार्ट आ रहा है ये बहुत अच्छे से ये स्टीयरिंग व्हील से कवर्ड है, तो ये लगता है कि एक ही यूनिट है लेकिन ये दो अलग अलग स्क्रीन्स हैं यहाँ पे एंड बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एसी वेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलने वाले जो कि बिल्कुल ही अलग है, देखने को नहीं मिलता ऐसे एसी वेंट्स। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाएगा, यहाँ पे आगे की तरफ जो आपका डिफॉगर है वो मिलने वाला है, एयरबैग का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एंड दिस इज द फोर्थ एसी वेंट। ऑब्वियसली आपको सेंटर कंसोल भी बिल्कुल नया मिलने वाला है, वायरलेस चार्जर के साथ यहाँ पे कप होल्डर्स आएंगे एंड ये देख सकते हैं फ्लोटिंग सेंटर कंसोल है, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, आई थिंक ये नहीं खुलता है अब, सो दिस डज नॉट ओपन, आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस नहीं मिलेगा। ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है और ये पार्किंग का बटन है, ये वॉल्यूम बटन एंड ये चीज़ जो है बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। दिस इज द गियर लीवर, सो दिस इज हाउ यू सिलेक्ट योर गियर्स, दिस इज योर पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड एंड मोड्स एंड दिस इज टू चेंज योर सॉन्ग, आपको नेक्स्ट सॉन्ग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बूस्ट लिखा हुआ है और आपको पैडल शिफ्टर दिए गए, तो पैडल शिफ्टर आपको सिर्फ डीजल में मिलता है, पेट्रोल में नहीं मिलता। आपको एम स्पोर्ट की बैजिंग मिल जाएगी, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो पूरे मैट में फिनिश और काफ़ी अच्छा इसका फिनिशिंग और डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं दोनों साइड। यू डू नॉट गेट अ फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील। ये थी दोस्तों द ऑल न्यू BMW की X1 एंड प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी की जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है एट 45.9 लाख एक्स शोरूम और जाता है 47.9 लाख एक्स शोरूम का फॉर द डीजल वेरिएंट एंड 45.9 लाख इज फॉर द पेट्रोल वेरिएंट। अब पावर स्पेक्स की बात करेंगे तो जो पेट्रोल है दैट्स अ 1.5 लीटर थ्री सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 139 bhp ऑफ पावर एंड 230 nm और मेटेड आता है एक 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। और ये जो आप देख रहे हो डीजल वाला, ये दोनों जो है डीजल है क्योंकि एम स्पोर्ट ये जो बैज लगी है यहाँ पे ये सिर्फ आपको डीजल में मिलने वाला है। तो जो एम स्पोर्ट की बैजिंग है इसका पावर है अराउंड 150 bhp एंड 360 nm और ये भी मेटेड आता है एक 7 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी दी ऑल न्यू BMW की X1 एंड पूरी की पूरी गाड़ी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें है गाड़ी में नहीं आ चुकी हैं, काफ़ी सारे एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ गाड़ी में चेंज हो चुका है। ये गाड़ी हम लोग को जल्दी मिलेगी फॉर अ फुल फ्लैट रोड टेस्ट रिव्यू, तो हम लोग आपको बताएंगे कि गाड़ी चलने में कैसी है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं प्रोमी चैनल करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बी सेफ, ड्राइव सेफ और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।